गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 के पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के पहला क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो जब कोई चीज प्रूफ करना हो, सिद्ध करना हो, तो क्या करते हैं, उसमें LHS ले लेते हैं। ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो ये LHS ले लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आपको इधर लास्ट वीडियो में कुछ अस्थाई नियम बताए गए थे। क्या बताया गया था कि साइन और कॉस को नहीं बदलते हैं, ठीक है। टेन मिल जाए तो कोशिश करते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखें, कॉट थीटा अगर मिल जाए तो कोशिश करते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जाए। ओके, और अगर सेक मिल जाए तो 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, और अगर कॉसेक मिल जाए तो 1 अपॉन साइन लिखते हैं। ओके बच्चों, तो इस रूल का हम लोग क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि ये कॉसेक थीटा है और ये कॉट थीटा है। तो आइए, बताया गया कि कॉसेक मिल जाए तो 1 अपॉन साइन, तो कर दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट मिल गया तो क्या लिख दोगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब क्या है, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा क्या, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल 1 आएगा, माइनस से माइनस कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करिए, दोनों को, ये वर्ग है, जैसे आपको बताया गया है कि अगर ए और बी पूरे का वर्ग है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस वही चीज यहाँ भी करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कर दे। अब थोड़ी नजर इधर बढ़ाते हैं, इधर आपको देखते रहना कि हमें लाना क्या है। तो देखते हैं कि अंश में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है अंश में, बस क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खत्म हो जाए, बस हो गया। इधर है साइन स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, आपको सर्वसम का बताया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल अपॉन, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, यहाँ आपको बताया गया है, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, या पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से, इस फार्मूले से इसका मान लिखा गया है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इस 1 के ऊपर भी वर्ग कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और नीचे 1 माइनस, इस वर्ग से क्या हो गया, ये पूरा कैंसिल, जो बचा वो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्या है RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में ज्यादातर क्वेश्चन आपको सभी प्रूफ ही करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस ए
कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, इधर है प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, टू सेक ए, ये आपको प्रूफ करना है, इसके बराबर ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहां भी ले लगते हैं क्या, एल एच एस, ओके लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए होल अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए, ओके। चलिए अब यहां पर कॉस साइन है, कॉस साइन के अलावा कुछ यहां पर नहीं है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस और साइन को नहीं चेंज करना है, ओके। तो आइए देखते हैं, सीधे एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए अगले ब्रैकेट में, दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो दोनों ही लिख लेंगे। चलिए ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या रूल है कि एलसीएम जब लेते हैं भिन्न में एलसीएम लेते हैं तो पहले को पकड़ेंगे, इसका अंश ये है हर, ये हर से एलसीएम में भाग देते हैं, तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा बचेगा ये, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ प्लस से प्लस लिख देंगे, अब इससे भाग दोगे इस पूरे में तो इससे ये कटेगा ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा कर दोगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है और प्लस टू इंटू ए इंटू बी साइन ए हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पर वन प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ध्यान दीजिए यहाँ ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन ये दोनों मिलकर कोई फार्मूला बन रहा है, इसको एक लाइन में एक साथ कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक का वर्ग एक ही होगा और प्लस टू अंजा टू टू साइन ए हो जाएगा, ओके। यहाँ पर वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और इंटू कॉस ए, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, वन वन प्लस वन और ये हो जाएगा टू साइन ए होल अपान वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, ओके बच्चों। देखिए ये वन वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए होल अपान वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, ऊपर से कुछ कॉमन है टू कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ वन वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए दूसरे अपॉन में और इनटू कॉस ए, ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया टू, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए होता है, यही आपका आर एच एस हो गया, ओके बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, ओके देखिए कुछ नहीं किया गया, एलसीएम लिया गया है, ऊपर ये फार्मूला लग गया, इस पर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, वन कर दिए दोनों को जोड़ दिया गया है, दो कॉमन लिया गया ऊपर से ये और ये बराबर हो गया, कट गया टू इंटू वन अपॉन कॉस है तो सेक हो जाएगा, वन अपॉन क्या क्या होता है सेक होता है, तो इस तरह से ये आपका आर एच एस आ गया, ओके बच्चों नोट कर लीजिए इसको। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, टेन ए होल अपॉन टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल, आपको प्रूफ करना है वन प्लस सेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके आपको प्रूफ करना है
टैन थीटा होल अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा इज इक्वल वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये एलएसएस लेते हैं, हो जाएगा टैन थीटा होल अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन वन माइनस टैन थीटा। चलिए फिर वही नियम, यहाँ टैन और कॉट के रूप में है तो बदल दीजिए साइन बटे कॉस। चलिए टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, होल अपॉन यहाँ पर वन माइनस इस कॉट के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मेन बटा आपका ये है तो ये प्लस इसके सामने होगा, ओके, यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन ये वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अगली लाइन इसको हल करते हैं, यहाँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए एलसीएम है, ये मेन बटा है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, किसका आएगा यहाँ पर साइन थीटा आएगा एलसीएम, ये साइन के ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस है प्लस लिखिए, इसी तरह यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लोगे कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। चलिए ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और ये कॉस इसमें गुणा हो जाएगा तो इंटू कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसी तरह यहाँ भी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान दीजिए इधर जो है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको क्या करिए अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट और इनटू ये साइन यहाँ पे गुणा आ गया, ये कॉस थीटा ये इसके साथ है ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ गुणा होगा तो इनटू साइन थीटा, कितनी बार समझ आए बच्चों। देखिए ये बात थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगा, यहाँ पर आइए देखते हैं, जैसे a माइनस बी है, ओके, a माइनस बी है, इसको अगर हम b माइनस ए करना चाहें तो कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए b माइनस ए हो जाएगा, आप गुणा करके देखो ये हो जाएगा माइनस बी, ये अंदर जाएगा तो प्लस ए माइनस बी, देखो प्लस ए और माइनस बी है, इसको आप पलट भी सकते ए माइनस बी, तो यानी अगर हमें इसको हमें बदलना है एक स्थान में बी, बी के स्थान पे ए चिन्ह सहित बदलना है, यानी चिन्ह बदल जाए प्लस वाला माइनस हो जाए माइनस वाला प्लस, तो क्या करिए माइनस कॉमन ले लिया जाता है, ओके, वही चीज यहाँ भी किया गया, हमें इधर देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको भी हम करना चाहते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, ओके, तो क्या करेंगे कुछ नहीं ब्रैकेट के पहले क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके, लेकिन ध्यान देना कि ब्रैकेट लगना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा इसको ना बदल के इसको चेंज कर दे, भाई दोनों सेम करना है तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ा रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए कॉमन ले लीजिए, तो दो में से किसी एक को कर दीजिए, ओके। आइए अब इसके बाद ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा, इधर भी है सेम टू सेम, कॉमन है कॉमन ले लीजिए, कॉमन है चलिए हर से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है ले लीजिए, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको क्या किया गया कॉमन ले लिया गया, ओके, हर से ऊपर से एक तो कहीं से भी कॉमन आ सकता है, हर से ये कॉमन है, बचा क्या है भैया साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, इस प्लस माइनस का जो भाग होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा,
अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके चलिए इसको हल करते हैं, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आया। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ये आएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा आएगा, भाई गुणा में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए अब इसे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन साइन कैसे ये कॉस का ऊपर गुणा होगा, स्क्वायर पहले से ये जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके अब ध्यान से देखिए तो अंश में कोई फार्मूला लग रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए क्या होता है बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को। चलिए ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में होगा साइन थीटा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा दूसरे ब्रैकेट में। ओके चलिए यहाँ जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ध्यान दीजिए ये पूरा ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस होता है और ये एक ब्रैकेट में होगा और यहाँ पर a माइनस बी यानी a माइनस बी ये हो जाता है अगले ब्रैकेट में। ओके तो ये फार्मूला होता है, इसी का हम लोगों ने यूज किया है, कक्षा 9 में आपको ये सारी चीजें बताई गई बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको तो पहले अच्छा यहाँ पर कुछ कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हर में है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में है, ये पूरा दो ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक एक, दोनों ब्रैकेट गुणा में है इसलिए कट रहा है, अगर इन दोनों के बीच प्लस या माइनस होता यहाँ पे तो नहीं कटता। चलिए कट रहा है, काट दीजिए और ध्यान दीजिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, तो वन कर दीजिए, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर ए प्लस बी बराबर अगर सी है, ओके ए प्लस बी बाय सी है और इसको हम अलग अलग करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए बाय सी और प्लस बी बाय सी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस इसी का यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो आइए इसको वन अपॉन ये दोनों फिर बताइए, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ प्लस है प्लस प्लस अलग कर दो, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा और इंटू वन अपॉन कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा और ये प्लस क्या होगा वन, इस तरह से इसको क्रम से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वन पहले है तो कर दीजिए वन प्लस फिर है सेक तो सेक हो जाएगा सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, इस तरह से ये आपका आ जाता है क्या आर एच एस। ओके बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं, लेकिन आपको कुछ करना नहीं, आपको दाएं बाएं नहीं भटकना है, आपको सीधे बताया गया है कि टैन और कॉट मिल जाए तो टैन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन आपको क्या है कर देना है। ओके बच्चों तो चलिए देखिए वही मैंने किया है, ये टैन के बटे साइन बटे कॉस, कॉट के स्थान में कॉस बटे साइन, इधर भी कॉट के स्थान में कॉस बटे साइन, इधर भी टैन के स्थान में साइन बटे कॉस, उसने किया गया ये ऊपर वाला अंश वाला जो है वो सेम टू सेम है, नीचे एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया गया ये आया
और फिर इसको आपको बताया गया माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों में क्या आ जाए, सेम आ जाए। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था, इसको कॉमन ली बाहर कर दिया गया, जो बचा अंदर क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, ये लिख दिया इधर प्लस, ये प्लस और ये माइनस का डिवाइड जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से ये तो कॉमन चला गया बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ये लिख दिया गया, ये लिखा गया यहाँ पर, ये दोनों एलसीएम लिया गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा का इसमें गुणा होगा साइन क्यूब हो जाएगा, इधर साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस का इधर क्यूब हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी का यूज किया गया, ये और ये कट गया, जो बचा लिखा गया, ये एक फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम है, साइन का स्क्वायर है कॉस का स्क्वायर, दोनों में थीटा समान है, बीच में प्लस है, तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, वन लिखा गया, फिर आपका ये लिखा गया जो बचा है ये तो कट गया है, फिर ये दोनों को बटा अलग अलग कर दिया गया हल, और ये आपका आ जाता है आर एच एस। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ का थर्ड था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड था ये। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फाइव के हम लोग फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर इसका यानी पांचवें का चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट इसका है वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और फिर है इज इक्वल साइन स्क्वायर ए, इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, ये है, ये आपका क्वेश्चन दिया है और ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे वही प्रक्रिया एल एच एस लेंगे, ये चौथा पार्ट है, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, आपको बताया गया है कि सेक ए मिले तो क्या कर दीजिए, वन अपॉन कॉस ए, ओके कर दीजिए, चलिए वन प्लस वन अपॉन कॉस ए होल अपॉन, इसको भी वन अपॉन कॉस ए कर दिया हम लोगों ने। चलिए आइए ऊपर देखिए एलसीएम है, एलसीएम क्या है, कॉस ए, कॉस ए यहाँ कुछ नहीं, इसी एलसीएम के ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, और ये इससे से कैंसिल, क्या बचेगा प्लस वन, और नीचे है वन अपान कॉस ए। ओके चलिए अब इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए, भाई कॉस ए प्लस वन का हो गया वन प्लस कॉस ए की बात है, ये कॉस ए के ऊपर गुणा होगा, तो चूंकि अंदर दो पद है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, इससे इससे क्या हो गया कट गया, क्या बचा वन प्लस कॉस ए। ओके अब इधर आप ध्यान दीजिए, हर में तो वन हो गया और हमें ऊपर चाहिए क्या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर है, और नीचे चाहिए वन माइनस कॉस है, नीचे तो यहाँ कुछ है ये नहीं है, तो आपको यहाँ से क्लू मिल रहा है, यहाँ वन प्लस कॉस ए, यहाँ नीचे वन माइनस कॉस ए, तो क्या करिए इसके अंश एवं हर में, अंश एवं हर में वन माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ओके तो चलिए वन प्लस कॉस ए ये है, इसका आंसर क्या है ये है, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, और हर क्या है ये है, तो वन माइनस कॉस ए, आंसर एवं हर दोनों में क्या किया गया गुणा किया गया। ओके चाहो तो काट सकते हो, चलिए यहाँ पर आप देखो वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, और ये है वन माइनस कॉस ए,
ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। हमें हर तो मिल गया, हर हमें क्या है मिल गया, ओके हर हमें मिल चुका है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और अपन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपको क्या है प्रूफ करना था, यही हमारा है आर एच एस। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसको भी क्या करिए आप नोट डाउन कर लीजिए।